युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विनीत कंबोज ने बताया कि युवा कांग्रेस के चुनाव की एक प्रक्रिया है जिसमें शिमला और सोलन जिला एसएससी और एसटी के लिए रिजर्व रहेगा। पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस की मेंबरशिप शुरू हो गई है। परफॉर्मेंस के आधार पर पुराने लोगों को भी स्थान दिया जाएगा। वोटर आईडी जिनके पास है उन्हीं के पास मेंबर बनने और वोट देने का अधिकार होगा। उन्होंने बताया कि यह चुनाव प्रक्रिया आईवाईसी ऐप के माध्यम से पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। कि आप लोगों के सामने जो हमारे ईसी हैं और पीआरओ हैं उन्होंने ड्रॉ निकाला है और उसमें दो जिले रिजर्व आए हैं, शिमला और सोलन। यहाँ पर एससी और एसटी के जिला अध्यक्ष बनेंगे और उसके साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप आज लॉन्च कर दी गई है। तो पहले जैसा कि हमारे ईसी और पीआरओ ने बताया, अभी 5 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होंगे, 5 से लेकर 14 तक रहेंगे नॉमिनेशन। और उसके बाद जो मेंबरशिप की डेट होगी, मेंबरशिप के साथ ही ऑप्शन आएगा जो भी साथी जिन्होंने नॉमिनेशन किया है उनको सिलेक्ट करने का। तो मेंबर खुद अपने जिसको भी वोट देना चाहते हैं मेंबरशिप के साथ ही ऑनलाइन वोट दे पाएंगे। और एक विशेष तौर पर मैं बात बताना चाहता हूं कि जो परफॉर्मेंस लिस्ट बनाई जाएगी प्रदेश के लिए, जिन लोगों ने पहले अच्छा काम किया है पिछली कमेटी में उन लोगों को रखा जाएगा। और उसके साथ साथ जो लोग आपदा में बारिश के अंदर लोगों की सहायता करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उनको विशेष तवज्जो दी जाएगी, उन लोगों को परफॉर्मेंस लिस्ट में रखा जाएगा। चुनाव पारदर्शिता से हो इसको लेकर किस तरह के कदम लेंगे? बिल्कुल, चुनाव पूरा पारदर्शिता से होगा क्योंकि अब ये आईवाईसी की एक अपनी ऐप है, विद आईवाईसी ऐप, उसके ऊपर पूरा चुनाव होगा और हर चीज से ये सिक्योर है और एक एक चीज देखी जाएगी। और सिर्फ वोटर आईडी जिनके पास है वही साथी मेंबर बन पाएंगे और वही साथी वोट डाल पाएंगे। पुरानी कितनी मेंबरशिप है आपकी और एक बार यूथ कांग्रेस में जाएंगे? इसमें टारगेट तो नहीं रखा गया है पर कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा युवा साथियों को इसके साथ जोड़ा जाए। इलेक्शन डेट कब तक अनाउंस हो जाएगी, उसके लिए कब तक ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये जो पूरा प्रोसेस है ये 2.5 से 3 महीने का है पूरा प्रोसेस। तो इसमें अभी फर्स्ट फेज में नॉमिनेशन की डेट दी गई है जो 5 से 14 तारीख रहेगी। उसके बाद मौसम को देखते हुए जो मेंबरशिप की डेट है उसके बाद वो आएगी। क्या मेंबर ही नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं? नॉमिनेशन कोई भी साथी कर सकता है जिसकी एज 18 से 35 साल के बीच में है, कोई भी नॉमिनेशन कर सकता है। पर प्रदेश कमेटी के लिए एक परफॉर्मेंस लिस्ट आएगी जिसका उसमें नाम होगा, वही साथी प्रदेश का इलेक्शन लड़ पाएंगे। पर जिला, विधानसभा, ब्लॉक का इलेक्शन हमारा कोई भी साथी लड़ सकता है। जिस तरह से फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात की या फिर एनएसयूआई की बात की जाए, अगर वो अध्यक्ष पद के लिए लड़ना चाहते हैं या जो पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, वो क्या यूथ में भी अध्यक्ष बन सकते हैं या किसी आम कार्यकर्ता को या आम यूथ के वर्ग को अध्यक्ष? जो साथी हमारे एनएसयूआई से पिछली कमेटी में थे और यूथ का इलेक्शन प्रदेश के लिए लड़ना चाहते हैं उनके नाम हमें एनएसयूआई की जो राष्ट्रीय कमेटी है वहाँ से मिलते हैं। तो उनके नाम हम परफॉर्मेंस लिस्ट में रखते हैं क्योंकि जिन्होंने एनएसयूआई में भी अच्छा काम किया हुआ है उन लोगों को हम मौका देते हैं।